नमस्ते फ्रेंड्स, इनकम टैक्स रिलेटेड और एक वीडियो में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं रेंटेड हाउस प्रॉपर्टी के केस में इनकम का कैलकुलेशन किस तरीके से करना होगा और रेंटेड प्रॉपर्टी के केस में होम लोन इंटरेस्ट का डिडक्शन कितना मिलेगा और जो लॉस होगा उसको किस तरीके से हम कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं और सेट ऑफ कर सकते हैं। तो आपको पता ही होगा कि टैक्स पेयर्स अपना ITR ओल्ड टैक्स रिजीम या न्यू टैक्स रिजीम किसी भी रिजीम में फाइल करते हो रेंटेड हाउस प्रॉपर्टी के केस में उन्हें होम लोन इंटरेस्ट का डिडक्शन मिलता है और न्यू टैक्स रिजीम के केस में सिर्फ रेंटेड हाउस प्रॉपर्टी के लिए होम लोन इंटरेस्ट का डिडक्शन मिलता है। तो हम यहाँ कैलकुलेशन देखते हैं। तो हम यहाँ इनकम टैक्स के पोर्टल पर ही कैलकुलेशन करेंगे। तो यहाँ हमें दो ऑप्शन दिखाई देते हैं, एक ऑप्शन है सेल्फ ऑक्युपाइड हाउस प्रॉपर्टी और दूसरा है लेट आउट हाउस प्रॉपर्टी जो कि है रेंटेड हाउस प्रॉपर्टी। तो हमें रेंटेड हाउस प्रॉपर्टी के लिए इनकम का कैलकुलेशन करना है। तो यहाँ हमें रेंट की वैल्यू लिखनी होगी, साल भर में उस प्रॉपर्टी से जो हमें रेंट मिला है या मिलने वाला है उसकी अमाउंट को हमें यहाँ लिखना होगा। तो हम यहाँ लिख देते हैं, हमें यहाँ 140,000 रुपये का रेंट साल भर में मिला है। इसके बाद हमें यहाँ उस प्रॉपर्टी के लिए टैक्स पेयर ने जो म्यूनिसिपल टैक्स पे किया है उसे माइनस करना होगा। तो यहाँ उसकी अमाउंट भी हम लिख देते हैं जो कि है 13,000 रुपये। इसे माइनस करने के बाद हमें मिलती है नेट एनुअल वैल्यू। अब इसके बाद हमें यहाँ रेंटेड प्रॉपर्टी के केस में सेक्शन 24A के अंतर्गत स्टैंडर्ड डेविएशन मिलता है जो कि होता है 30% ऑफ नेट एनुअल वैल्यू। तो यहाँ जो नेट एनुअल वैल्यू है वो है 127,000 रुपये। तो इस 127,000 रुपये के 30% ऑफ में स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलेगा जो कि यहाँ 38,100 रुपये मिल चुका है। इसके बाद जो हमारी इनकम बचती है वो बचती है 88,900 रुपये। तो ये जो है हमारी रेंटेड हाउस प्रॉपर्टी से इनकम है। तो यदि किसी टैक्स पेयर ने होम लोन के लिए इंटरेस्ट का पेमेंट नहीं किया है तो ऐसे में ये जो 88,900 रुपये है ये उसकी इनकम होगी जिसे वो अपने इनकम टैक्स रिटर्न में इनकम में ऐड करेगा और उसके ऊपर टैक्स भरना होगा। और यदि टैक्स पेयर ने होम लोन लिया है और उसके लिए इंटरेस्ट का पेमेंट किया है तो उसे यहाँ क्लेम करना होगा। तो हमने यहाँ होम लोन के लिए इंटरेस्ट का पेमेंट भी किया है जो कि, तो आपको पता ही होगा कि रेंटेड हाउस प्रॉपर्टी के केस में साल भर में जितना इंटरेस्ट पे किया जाता है उतने का डिडक्शन टैक्स पेयर को मिलता है। तो हमने यहाँ 230,000 रुपये का साल भर में होम लोन के लिए इंटरेस्ट पे किया है तो हमें यहाँ इसका डिडक्शन मिल जाएगा। इसके बाद आप यहाँ देख सकते हैं कि अमाउंट जो है निगेटिव आ चुकी है, यहाँ अब 141,100 रुपये का लॉस आया है। तो अब सारा कैलकुलेशन करने के बाद हमें यहाँ हाउस प्रॉपर्टी से लॉस है। तो अब इसके बाद अब ये जो लॉस है इसका क्या होगा इसे भी समझना आवश्यक है। तो अगर कोई टैक्स पेयर न्यू टैक्स रिजिम में अपना इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करता है ऐसे में उसे हाउस प्रॉपर्टी से लॉस है तो उस लॉस को टैक्स पेयर कैरी फॉरवर्ड भी नहीं कर सकता है और अदर सोर्सेज ऑफ इनकम से उसे सेट ऑफ भी नहीं कर सकता है। इसका मतलब अगर किसी टैक्स पेयर की न्यू टैक्स रिजिम में हाउस प्रॉपर्टी इनकम से इनकम निगेटिव है तो ऐसे में उसे उस लॉस का कोई बेनिफिट नहीं मिलेगा। और यदि कोई टैक्स पेयर अपना ITR ओल्ड टैक्स रिजिम के अंतर्गत फाइल करता है और उसे उस रेंटेड हाउस प्रॉपर्टी से लॉस है तो ऐसे में उस लॉस को वो टैक्स पेयर अगले साल में कैरी फॉरवर्ड भी कर सकता है और इनकम के अदर सोर्सेस में से उस लॉस को कम कर सकता है और अपना इनकम कम करके अपना टैक्स बचा सकता है। तो इस तरीके से टैक्स पेयर्स को ओल्ड टैक्स रिजिम और न्यू टैक्स रिजिम में अपने रेंटेड हाउस प्रॉपर्टी से इनकम का कैलकुलेशन करना होगा। और रेंटेड हाउस प्रॉपर्टी के केस में टैक्स पेयर को साल भर में जितना होम लोन के लिए इंटरेस्ट पे किया जाएगा का डिडक्शन मिलेगा और सेल्फ ऑक्युपाइड प्रॉपर्टी के केस में टैक्स पेयर ने साल भर में जितना इंटरेस्ट पे किया है उसमें से 2,00,000 रुपए तक का डिडक्शन टैक्स पेयर को मिलेगा। आशा करता हूँ इस वीडियो की जानकारी आपको यूजफुल लगी हो। अगर इस वीडियो की जानकारी आपको यूजफुल लगी है तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।